मौसम चाहे सर्द हो या गर्द, खिलखिलाती धूप में आपके लिए यह मासूम लड़का बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाता है, जो कहीं ना मिले वो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और उन लोगों तक जरूर पहुँचाना है जो इस इंटरटेनमेंट और सिनेमा के ब्लॉग रिलेटिव ब्लॉग देखते हैं। तो गाइस, आप लोगों को बस इतना ही करना है कि ये ब्लॉग उन लोगों तक जरूर पहुँचाए ताकि उनको यहाँ पर आने में आसानी हो। और मैं इसमें वीडियो पूरी तरह से डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। गाइस, ये जो है इसका बॉक्स ऑफिस है और यह है डॉल्बी एटमॉस, पर ना तो डॉल्बी है ना एटमॉस है, कुछ नहीं है इसमें। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दिलीप ब्लॉग, मैं आपका दोस्त आपका हो, दिल्ली की जान, दिल्ली की शान, आपका अपना वसीम भाईजान। आज आपको लेके आया हूँ कविता खोड़ा सिनेमा में। चलिए फटाफट से इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, मगर मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आप लोगों के लिए जेन्युइन तरीके से बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आज कविता खोड़ा में। तो गाइस, सबसे पहले जो है हम फटाफट से नोएडा सेक्टर 62 आ गए हैं और यहाँ से जो है नीचे उतर के आप ले सकते हैं बैटरी रिक्शा, जो कि आपको 12 बजे तक लेके जाएगा मात्र 10 रुपए में। और यहाँ से आप जो है दूसरा रूट भी आप देख सकते हैं मेट्रो का, ये मेट्रो 62 है। गाइस, ये है जो मैं आ चुका हूँ रजनीगंधा चौक से, जो नोएडा सेक्टर 16 में पड़ेगा, वहाँ से आप जो है पड़ेगा आपका मयूर विहार, रूट पड़ेगा आप देखेंगे, वहाँ से जो है आप इस बैटरी रिक्शा से सीधे डायरेक्ट आ सकते हैं मात्र 30 रुपए में, जिसके आते ही आप पहुंच जाएंगे खोड़ा सेक्टर ए में, जो कि 62 में है। ये आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं गाइस, इस बिल्डिंग के पास बिल्कुल ही आपको सीधे लेफ्ट में आना है। ये रोड बिल्डिंग से भी थोड़ा सा आपको जो है आगे आना है। आप मौसम देख सकते हैं कितना सुहावने मौसम के साथ एक नए सफर में चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये जो है ना घर के अंदर बना रखा है, बिल्कुल इतना ज्यादा ढूंढने के बाद जो है ये हमको मिल ही गया है। फिलहाल ये ऐसी गली में है कि आप जो है परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई हॉल हो सकता है या नहीं। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ और आपको लेके चलता हूँ फिलहाल न्यू खोड़ा कविता पैलेस की तरफ। तो चलिए इस गली बाजार में होते हुए आपने मंजिल बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद आखिर हमें कविता पैलेस मिल ही गया। चलिए अब तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो जो है आपको आपको बहुत ज़्यादा जो है पसंद आएगा। और फिलहाल हम जो है आ चुके हैं कविता खोड़ा की तरफ। और गाइस यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आने के लिए तीन रास्ते हैं। आप जो है नोएडा सेक्टर 16 से भी आ सकते हैं, गोंडली से भी आ सकते हैं और भी जो है आपके तमाम जो मतलब या रास्ते हैं वहाँ से आ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको धीरे धीरे सब दिखाता हूँ। तो गाइस क्या हुआ भाई? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस, इस हॉल को जो है इतना छुपा के बना हुआ है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये है कहाँ। ये जो है बिल्कुल गली के अंदर है और ऐसी गली है यहाँ पर आपको यकीन ही नहीं होगा कि यहाँ पर कोई सिनेमा हॉल भी हो सकता है। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये है कविता पैलेस न्यू खोड़ा सिनेमा, जो कि कुछ इस तरीके का है और ये बिल्कुल गलियों के अंदर बना हुआ है। ये है कविता सिनेप्लेस, जो कि है कविता खोड़ा में, और ये कुछ इसमें वीडियो बने लगे कुछ नहीं गाइस, क्योंकि इसके आसपास ज़्यादा गाइस। ये जो है इसका बॉक्स ऑफिस है और ये हॉल कुछ इस तरीके का है। इसमें लिखा हुआ है डॉल्बी एटमॉस, पर ना तो डॉल्बी है ना एटमॉस है, कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको बाहर से एक बार दिखाता हूँ, फिर चलते हैं हम सीधा अंदर एंट्री करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। इसका ड्रेस सर्कल है, तो गाइस ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये मैं फिलहाल बालकनी में खड़ा हुआ हूँ और बालकनी के सामने जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है काफी घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, मकान के बिल्कुल जस्ट सामने ही आपको मिल जाएगा, आप वेदा का पोस्टर दे सकते हैं। और गाइस यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसके अंदर की जो कैंटीन, जो कि कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर कैंटीन में मैं आपको बता दूँ कि खाने पीने के सारे आइटम बहुत सस्ते हैं, मात्र कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल और चिप्स ही इनके पास अवेलेबल है बस। तो ये हम आ चुके हैं अंदर स्क्रीन में, स्क्रीन देखिएगा, इसकी स्क्रीन तो काफी लंबी है, काफी बड़ी है और इसके मुकाबले जो है इस हॉल में बहुत ज्यादा अंधेरा है और कुछ क्वालिटी साउंड जो है वो कुछ इस तरीके का है। गाइस
गाइस आप लोग देख सकते हैं इसकी स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा काली है, बहुत बड़ी जरूर है लेकिन बेकार स्क्रीन है। तो गाइस मूवी जो है हमारी हो गई है ख़त्म और हम निकलते हैं घर की तरफ। फिलहाल बाहर चल के आपको दिखाते हैं और जो भी कुछ इसमें बचा हुआ है। इसकी सीट आप देख सकते हैं, सोफे की सीट है और साउंड जो है चार लगे हुए हैं। फिलहाल जो छतरी देख रहे हैं आप, कूलर पंखे लगे हुए हैं लेकिन इसमें एसी का जो है अनाउंसमेंट किया गया है पर एसी नहीं है। तो हम निकलते हैं बाहर इन बच्चों के साथ फटाफट से, अब हम भी निकलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इसमें है बकाया। पार्किंग अगर आप देखते हैं तो सामने की पार्किंग जो है बहुत अच्छी तरीके है और ये है मेन रोड इसका। अगर आप आएंगे गाइस कोड़ा की जगह मेन मार्केट है, ये है आप जो है सीधे सामने जाएंगे तो ये आप गली देख रहे हैं, ये कोई गली नहीं है बल्कि ये रोड है। लेकिन रोड के पास जो है किनारे बिल्कुल सामने ही बना हुआ टाकीज है, मैं आपको इसकी दीवार दिखाता हूँ। अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगी। अभी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए गाइस ये उसकी बैक साइड है, अगर आप बिल्कुल ये देखिए, लेकिन ये जो बिल्कुल अंदर की तरफ है तो काफी वापसी आने में जो है मुझे पूरे 2 घंटे का समय मेरा बर्बाद हो गया है। और आप देख सकते हैं ये है त्रिलोकपुरी संजय लहर मेट्रो स्टेशन, यहाँ तक तो मैं सवारी से आया हूँ, अब यहाँ से मैं आगे मेट्रो से जाऊँगा। तो गाइस मेरा जो एक पूरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि कविता खोड़ा जो सिनेमा हॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थर्ड क्लास है और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ जाएँ, पर आपकी मर्जी जा सकते हैं। मैंने पूरा रिव्यू जो है इसका जेन्युइन दिया है। तो हम पकड़ते हैं मेट्रो, फटाफट चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि कहाँ है हमारी ट्रेन। गाइस आप लोग देखते हैं कि पूरा मेट्रो स्टेशन जो है खाली पड़ा हुआ है, आसपास जो है पब्लिक नहीं है बिल्कुल, और समय जो है अभी 5 मिनट का है मेट्रो आने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज कि कविता पहले जो सिनेमा हॉल है उसमें मुझे आने में पूरे 2 घंटे बर्बाद हो गए मेरे, और 2 घंटे जो बर्बाद हुए हैं उसके वजह से मैं आपको पूरा अच्छा और जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। वैसे मेरी तरफ से तो आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैंने आपको जो पूरा दिखा दिया है गाइज। उस हॉल की जो सीटें हैं वो फटी हुई हैं और जो है वहाँ के समाज सेवक जो अंकल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मुझे पता है कि आप मेरा ये व्लॉग जरूर देखेंगे कि ऐसा ना हो आप हमारे उनके हॉल की बुराई कर रहे हैं, पर मैं आपके हॉल की बुराई नहीं कर रहा हूँ अंकल, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो हिसाब किताब है, जो कंडीशन है वो बहुत ही घटिया है। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का जो वॉशरूम है वो तो इतना ज़्यादा बेकार है कि मैंने आपको उसकी वीडियो भी नहीं दिखा सकता, इतना गंदा और इतना बदबू मार रहा था कि मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया कर सकता आपके सामने। और गाइस वहाँ पर टॉयलेट के बाद पानी में हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, वो पानी मुझे अंकल ने खास प्रोवाइड कराया, इसके लिए अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी मैं आपको ही कह रहा हूँ, आप मुझे पता है कि ब्लॉग जरूर देखेंगे क्योंकि आपको ये लगेगा जरूर जैसा कि आप मुझसे कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना आप हमारे हॉल की बुराई करें और हमारा हॉल ऐसा है वैसा है, पर अंकल मैं सच बोल रहा हूँ जैसा आपका हॉल है मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। और मुझे जो है आपसे कोई भी ख़ास तौर पर दुश्मनी नहीं है, ख़ास तौर पर कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपके हॉल के बारे में बुराई करूँ, लेकिन जो जेन्युइन है अंकल मैं सिर्फ वही आपसे कह रहा हूँ। तो गाइज आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यू कविता पैलेस खोड़ा सिनेमा जो है, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो ओनली 70 रुपीज़ है, यानी कि 70 रुपये, मगर इस वक्त 15 अगस्त और कुछ बड़े बड़े स्टार की फिल्म आने की वजह से अंकल ने मुझे खुद बताया था कि यहाँ पर जो है 100 रुपये टिकट कर दिया गया है, वो भी कुछ दिनों से। उससे पहले जो आपका टिकट था वो ओनली 75 रुपीज़ था। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप 75 या 100 में आप आराम से मूवी देख सकते हैं। यहाँ की जो सीटें हैं गाइज वो मैंने दिखाई, सीटें तो लग्जरी हैं, सोफ़ा सेट की सीटें हैं, मगर उन सीटों पर जो है किसी भी तरीके का कोई भी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया है, बहुत गंदी और डर्टी सीट। गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैं आपके लिए खास तौर पर मेरे जो कमेंट वाले भाई थे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी, मैं खास तौर पर उनके लिए इस कविता पैलेस गया, बहुत तगड़ा अपनी जान का रिस्क लिया। गाइस वहाँ का साउंड तो इतना, मैं क्या बताऊँ, ऐसा था कि बस मुझे लग रहा था कि गाना चल रहा है ये साले स्पीकर लेके, नहीं पुराने ज़माने में ये भोपूसा बजाते थे ऐसा कुछ लगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ जबकि स्पीकर लगे हैं, आपको वीडियो में मैंने दिखाया, पर वहाँ का फिर भी साउंड ऐसा आ रहा था कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि गाना चल भी रहा है। हाँ गाने के बोल काफ़ी लाउड थे, इतने लाउड बोल थे कि कानों में चुभेंगे आपके कि बोल आ रहे हैं, लेकिन गाने का जो म्यूज़िक है और झनकार और बीट्स और धमक साउंड वगैरह जो बेस होता है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो गाइज मैं आपसे अब जो है विदा लेता हूँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। गाइज आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, रात का समय है, मेट्रो जा चुकी है, हमारी मेट्रो अब तक नहीं आई है और हमें घर जाना है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि यहाँ पर मेरा किराया कितना लगा, तो गाइज अब तक जो है मेरा यहाँ का किराया कम से कम 70 रुपये लग गया जाने का, अपने घर से मेट्रो लेकर फिर मैंने बैटरी रिक्शा लिया। आप जो है नोएडा 62 यानी 62 से अगर आप उतरेंगे तो आपको 20 रुपये लगेंगे, पहले 12-22 आएंगे आप, और लेबर चौक आएंगे, अब लेबर चौक से भी आपको 10 रुपये और लगेंगे, यानी कि आप 40-30-70 रुपये में आप वहाँ पहुँच पाएंगे।
तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, उन लोगों को जरूर पहुंचाएं जो कविता पैलेस के बारे में जानकारी चाहते थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।